बहुत अच्छा ज्ञान मिलता वहां से, वहां जाऊंगा थोड़ी ठंड है कल जरूर जाऊंगा। अगला दिन आया, अगला दिन आया तो फिर कहा कि आप जाइए जरूर, आज जरूर जाना, तो हाँ बिल्कुल आज जरूर जाऊंगा, लेकिन थोड़ी देर मेरी आज थोड़ा दुख रही है, कल जरूर जाऊंगा। ये हुआ कि उसमें उनकी पत्नी बार बार कहती थी, वो हंसी जाने को तैयार नहीं था। पत्नी ने कहा कि आज आपको जरूर जाना है, अगर आप नहीं गए तो मैं सुबह को खाना भी नहीं खिलाऊंगी आपको, खाना नहीं मिलेगा, और क्या सीख के आए हो ये मैं आपसे पूछूंगी। कहने लगा आपको बहुत ही बड़ी शर्त लगा दी, कल को खाना भी नहीं मिलेगा, आपको जाना ही पड़ेगा। लेकिन आज सीधा सोचता रहा सोचता रहा, जब देखा कि हाँ तो छिड़ने वाला है, चलो जरूर चलूंगा। जब वहां पहुंचे तो तथागत बुद्ध का परिवर्तन खत्म हुआ था, और तथागत बुद्ध ने ये कहा था, आना है तो आओ, बैठना है तो बैठो, जाना है तो जाओ। बस इतनी बात उसके आंसू के पल्ले पड़ी थी और सब सभा खत्म हो गई। तो कहने लगा कि पत्नी जरूर पूछे कि क्या सीख के आए हो, तो इसी बात को रटता चला गया, आना है तो आओ, बैठना है तो बैठो, और जाना है तो जाओ। इसी बात को रटता जाकर के अपने मकान में सो गया। फिर क्या था कि अपनी पत्नी फिर पूछेगी, फिर उसे जाग के वो यही रट लगा थी कि भूल ना जाओ, आना है तो आओ, बैठना तो बैठो, जाना है तो जाओ। हुआ क्या, रात को करीब 12 बजे चोर आए, चोरों ने दीवार काट के कोमल कर दिया और मकान के अंदर घुस गए। लेकिन उसको तो बढ़ती आ रहा है तो आओ, बैठना तो बैठो, जाना तो जाओ। चोरों ने पोटली बांध दी सारे सामान की। चोर कहने लगे, भाई ये तो बहुत अच्छा आदमी, हम तो देख भी लिया, और देखने के बाद भी कह रहा है आना तो आओ, बैठना तो बैठो, जाना तो जाओ। उन्होंने वो पोटली वही छोड़ दी, बोले भाई हम नहीं ले जाएंगे इस माल को, और वहां से चले गए। जैसे ही सुबह हुई, सुबह होकर थाना था पास में, थाने पहुंचे और जाकर के जो भगा अनजान था उसके पैरों में पड़ गए। बोले दरोगा जी हमें बचा दो। अरे भाई क्या बात हो गई, बताओ तो सही। नहीं सर बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, हमें बचा दो आप। तो क्या हुआ जी? को एक आदमी आया सिंह, आया सिंह एडवोकेट साहब के घर में हम चले गए चोरी करने के लिए, लेकिन वो तो इतने भले हैं, हमको देख लिया और फिर भी कह देते आना तो आओ, बैठना तो बैठो, जाना तो जाओ। कुछ नहीं है, आया सिंह के पास ही जाइए, कोई माफ करेंगे आपको। वो आए चोर आकर के पैरों में पड़ गए, बोले हमें माफ कर दो। तो भाई क्या बात है, बोले हम आपके घर में चोरी करने आए थे और सारा सामान देखो हमने छोड़ दिया है, आप तो बहुत अच्छे आदमी है, और फिर भी कह रहे थे देखने के बाद आना तो आओ, बैठना तो बैठो, जाना तो जाओ। उसने जाके देखा अपने मकान के अंदर तो वास्तव में सामान बंधा हुआ रखा था। उसने कहा भाई ये जो लोग रोजाना जाते थे इनको कितना कितना लाभ हुआ होगा, मैं तो लास्ट में पहुंचा और छोटी सी बात मेरे पल्ले पड़ी और इतना बड़ा फायदा हो गया। तो मेरा कहने का ये है आपसे निवेदन साथियों, चाहे कहीं भी हो, अच्छी बातें हर समाज के अंदर मिलती है, अच्छी अच्छी बातों को आप अपने अंदर रखिए और सबकी बातों को सुनना चाहिए। साथियों बाबा साहब अंबेडकर जी ने जिस समय संविधान को सौंपा, तो ये बताते हैं साथियों हम तो उस समय नहीं थे कि बाबा साहब की आंखों में आंसू आ गए। आंसू आ गए तो नेहरू जी ने पूछा कि डॉक्टर साहब मैंने जिंदगी में कभी आपको रोते हुए नहीं देखा, लेकिन आज की आपकी आंखों में आंसू, ये आंसू कैसे हैं? तो बाबा साहब ने कहा था साथियों आज मैंने उस व्यवस्था को उस संविधान के अंदर खत्म कर दिया, जिस व्यवस्था के अंदर मतपेटी से वोटों के माध्यम से यहां का राजा चुना जाता था, अब मतपेटी से नहीं वोटों से नहीं, अब जो संविधान के तहत जो रानी की पेटी से राजा पैदा होता था उस व्यवस्था को मैंने खत्म कर दिया, लेकिन आगे जो राजा पैदा होगा वो इस मतपेटी
हिम्मत नहीं पड़ती थी, कहने लगी माँ से, कहते थे माताजी हमारे फीस जानिए का लोगों, वो कैसे इंतजाम करके देती थी। और अब साथियों हम एडवोकेट दे सके, लेकिन बच्चों को हम किस तरह पढ़ा रहे हैं, दो साल से हम देख रहे हैं बच्चों की पूरी फीस पहले जमा कराने जाती है, और जो छत वो आती थी वो फीस जो उनकी छुट्टी के रूप में आती थी वो अब नहीं आ रही है दो साल से। हम सारी फीस अपने आप अदा कर रहे हैं। अब चिंतन की बात यह है कि हम तो पढ़ गए और अब तक जहां तक हुआ हमने बच्चों को पढ़ा लिया, लेकिन हमारे जो जो समाज है, जो गरीब समाज है, जो खेती मजदूरी करता है, वो कैसे बच्चों को पढ़ाएगा, ये चिंतन की बात है साथियों। इस पर हमें चिंतन करना है और अपने जो गांव में जाकर के हम कह रहे थे टाइम निकाल रहे, गांव में जाएंगे, अनपढ़ लोग रहते हैं, मजदूर लोग रहते हैं, उनको समझाने की जरूरत है। बुद्ध का धाम तो एक ऐसा धाम है साथियों, जो इसमें आएगा सम्मान मिलेगा, समता, मैत्री, बंधुता, भाईचारा, इसीलिए तो बाबा साहब ने इस धर्म को अपनाया था। 14 अक्टूबर 1956 को जब शिक्षा ली, बाबा साहब का एक अंतिम संदेश था हमारे लिए, लेकिन हमारे जो साथी हैं, जो हमारे समाज के लोग हैं, बाबा साहब के उस संदेश को नहीं समझ पाए। वो चाहते थे कि जो जीवन भर में भूखों को लगे हुए हैं, आपने देखिए बाबा साहब के साथ में कदम कदम का उनको अपमानित किया गया, उन्होंने जो जीवन में अपमान सहे उन सबको संविधान के अंदर एक एक धारा लगा करके इस एक्ट के अंदर भर दिया कि अगर ऐसा कोई करेगा तो उसको ये उसका दंड मिलेगा। तो साथियों उनका उद्देश्य ये था कि अगर ये बहुत समाज बन जाएंगे तो कम से कम इनमें जो अत्याचार होते हैं ये रुक जाएगा, क्योंकि अभी हमारे मुस्लिम भाई बैठे हैं, कोई घटना होती है तो उनका सब किसान आंदोलन होता है वो धर्म के नाम पर होता है। हिंदुओं का आंदोलन धर्म के नाम पर होता है, बौद्धों का आंदोलन धर्म के नाम पर यहाँ नहीं होता था, वो जातिगत ही रह जाता है। साथियों अगर बाबा साहब की बात को मान लेते और यहाँ पर आज हम लोग बहुत बड़ी तादाद में बौद्ध में हो गए पूरा थे, यही बाबा साहब चाहते थे। और जब हमारे लोगों पर अत्याचार होते हैं, हम सब लोग इकट्ठे होकर के उसका आंदोलन करते, तो यहाँ जो राजदूत रहते हैं वो यहाँ की सरकार को कहते कि ये हमारे बहुत लोगों के साथ में क्यों अत्याचार हो रहा है। साथियों इसलिए बाबा साहब की बात को मानो। अभी जो 22 प्रतिज्ञाएं बताई गई थी, ये बाबा साहब ने प्रतिज्ञाएं की थी, ये इसीलिए क्योंकि मैं इनको देवी देवता नहीं मानूंगा, भगवान नहीं मानूंगा, वो ये चाहते थे कि धर्म ये लोग हमको मानते ही नहीं है हिंदू, इसलिए क्यों इसमें घुसे रहे हैं, इसलिए बुद्ध धर्म दिया था। साथियों ज्यादा ना कहते हुए, जिस मंदिर में अपमान मिला उस मंदिर में तुम जाते हो, जिस धर्म ने तुमको नीच कहा उस धर्म के गुणगान गाते हो। अरे राम राज का करो खात्मा, अब भीम राज की बारी है, अब भी हमने सुखदेव के प्रति व्रत हमारी है। ये सब सबके साथ जय भीम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।